का नमस्कार। आज एक क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन का नाम है एनएमआर सिग्नल। ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगा कि यूपी पीजीटी में या फिर मध्य प्रदेश पीजीटी में और या फिर झारखंड पीजीटी में आ सकता है, चूंकि सिलेबस एमपी पीजीटी का अपने में एक स्पेशल हो गया है, उस पर ही लगातार हमारा डिस्कशन चल रहा है और क्लासेस भी कंटिन्यू हो रही है। तो जो लोग भी ऑनलाइन क्लास लेने के इंटरेस्ट रखते हो, जो झारखंड पीजीटी का ऑनलाइन क्लास लेने का इंटरेस्ट रखते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में, तो आपको हमारे चैनल पर आना चाहिए और अपने मोबाइल में एरोमा केमिस्ट्री का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि संडे को रात में 9 बजे से टेस्ट है और ये टेस्ट केवल और केवल फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज आप कल के लिए रेडी रहिए फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट देने के लिए। टेस्ट का जो नंबर होगा क्वेश्चंस का वो 50 होगा, 50 होगा। टाइमिंग आपके पास 1 घंटा होगी। आप कैसे कवर करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने आप की परफॉर्मेंस को कैसे पहचानते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज फिलहाल मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है एनएमआर सिग्नल। एनएमआर सिग्नल पढ़ाना नहीं है क्योंकि पढ़ा चुका हूं, इसके एक एग्जाम्पल पर विशेष तौर से हम बात करेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं, पैराक्लोरोटोलिडीन। अब ये कंपाउंड आपके सामने है, यहां मैंने सीएल लगा दिया, ये पैरा पोजिशन हो गई। पैरा पोजिशन किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहां पर टॉलिन यानी कि CH3 लगा देता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में ये पैराटोलिडीन हो गई। तो यानी अब हमारे पास में कंपाउंड है पैराक्लोरो एनिसोल है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पैराक्लोरो एनिसोल। एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड हमारे सामने कैटिचॉल है, यानी कि अगर मैं कैटिचॉल लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि कैटिचॉल कौन सा होगा। यहां पर OH लगा लेता हूं, यहां पर OH लगा लेता हूं, तो यानी कैटिचॉल दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है मिथाइल पैराटोलुएट। तो ये मिथाइल पैराटोलुएट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ये मिथाइल पोजिशन पैरा पोजिशन पे होगी, यानी ये हो गया मिथाइल। पैराटोलुएट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कंपाउंड हमारा हो जाता है मिथाइल पैराटोलुएट। तो ये मैंने मिथाइल पैराटोलुएट लिख दिया है और तीन ये कंपाउंड है मेरे सामने, इन तीनों में हम लोग एनएमआर सिग्नल निकालेंगे। अब एनएमआर सिग्नल अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर ओपन कर लेने चाहिए। तो देखता हूं मैं, देखो आपको बताता हूं कि यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहले मैं सबके हाइड्रोजन ओपन कर देता हूं, यानी एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा। तो ये आपने देख लिया। अब इस केस में देख लो, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, एक हाइड्रोजन आपका यहां पर होगा। ये सब मैंने हाइड्रोजन ओपन कर दिए। अब आपसे एक एक करके बात करता हूं, अगर मैं देखता हूं ध्यान से तो इन दोनों का एटमॉस्फेयर एक है, यानी कि इसे मैं ए मान लेता हूं तो इसे भी ए हाइड्रोजन मानना पड़ेगा। ये दोनों का एनएमआर सिग्नल एक ही आएगा। क्यों एक एनएमआर सिग्नल आएगा, क्योंकि दोनों का एटमॉस्फेयर एक है, दोनों के उधर क्लोरो लगा है, दोनों के नीचे दो हाइड्रोजन लगे हैं, इन दोनों का एटमॉस्फेयर एक है, मतलब इन दोनों के एनएमआर सिग्नल सेम होंगे। अब मैं बात करता हूं इसकी, यहां पर इन दोनों के एनएमआर सिग्नल सेम आएंगे क्योंकि इसके इधर भी सेम पोजीशन है, इधर इसके इधर भी सेम पोजीशन है, तो दो हो गए और एक ये एनएमआर यानी कि सी कैटेगरी से मान लेते हैं, तो तीन यानी मिथाइल ग्रुप में भी एक कैटेगरी हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे पास कितने एनएमआर सिग्नल हो गए, टोटल हमारे पास में हो गया, टोटल एनएमआर सिग्नल हमारे पास में आ गए, टोटल एनएमआर सिग्नल आ गए कितने, तीन तरीके के, यानी एक हमारे पास हाइड्रोजन ए वाला आ गया, एक हाइड्रोजन बी वाला आ गया, एक हाइड्रोजन सी वाला आ गया, यानी टोटल तीन एनएमआर सिग्नल यहां पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ध्यान दो, इन दोनों के एनएमआर सिग्नल सेम होंगे, तो इन दोनों को आप ए मान लीजिए।
अब इनके दोनों के एनएमआर सिग्नल भी सेम होंगे, कारण यह है कि इसके इधर ओएच है, इसके इधर दोनों का एटमॉस्फियर सेम है, इन दोनों के एनएमआर सिग्नल भी सेम होंगे, तो हम इनको सी मान लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है इनमें भी एनएमआर सिग्नल जो है वो एनएमआर सिग्नल आपके इसमें भी तीन ही आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जाम्पल आ सकता है आपके पीजीटी में, इसलिए मैं छांट करके लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो एनएमआर की पूरी वीडियो कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं एनएमआर सिग्नल, ये मैं ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसमें भी कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं। आप वहां जाकर के एनएमआर सिग्नल्स की वीडियो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियोस को देखिएगा तो आपको तीनों चीजें पता लग जाएंगी, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे एनएमआर हो, और चाहे मैंने आपको ईएसआर भी पढ़ा रखी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा रखी है, सभी पूरे टॉपिक कायदे से पढ़ाए हुए हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसमें भी तीन एनएमआर सिग्नल, इसमें भी तीन एनएमआर सिग्नल। अब बात आती है, देखो इसका एटमॉस्फियर तो अलग होगा, ये तीनों हाइड्रोजन एक एटमॉस्फियर को फॉलो कर रहे होंगे, ए हो गया। इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को मैं बी मान लेता हूं, क्योंकि इन दोनों की कंडीशन में अब आपको डिफरेंस दिखाई देगा। देखो ध्यान दो, ये दोनों सिग्नल अगर सेम है तो इनकी कंडीशन और इनकी कंडीशन भी सेम ही आएगी, क्योंकि इसके इधर भी मिथाइल है, इसके इधर भी सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो अब कंडीशन आपके सामने है, एक एनएमआर सिग्नल यहां मिलेगा, एक कैटेगरी का यहां मिलेगा, और दोनों कैटेगरी के इन दोनों के एनएमआर सिग्नल सेम होंगे। तो आपके पास एक दो तीन हो गए, और इसके बाद ये आपका चार, यानी कि इस तरीके से यहां टोटल एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल कितने मिलेंगे, टोटल एनएमआर सिग्नल आपको चार मिलेंगे। तो इस तरीके से ये मुझे एग्जाम्पल बढ़िया लगा, मुझे लगा कि एग्जाम्पल आ सकता है पीजीटी में, इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को उठा करके एक छोटी सी वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाया कि हाउ कैन यू कैलकुलेट एनएमआर सिग्नल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। बाकी मैंने एनएमआर सिग्नल कैसे निकाले जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल की वीडियोस आपको ऑलरेडी दे रखी हैं, तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्याय में इसको भी जोड़ दीजिए कि एनएमआर सिग्नल के ये एग्जाम्पल भी आप तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे संभावना ऐसी है कि ये एग्जाम्पल एनएमआर वाले एमपी या यूपी पीजीटी या झारखंड पीजीटी में आ सकते हैं, तो चांस नहीं छोड़िएगा, मौका नहीं गवाइएगा इनको, और इन जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके दूसरों को भी बताइए कि इस तरीके के एग्जाम्पल जरूर तैयार करें, जिससे कि आपकी झारखंड पीजीटी या एमपी पीजीटी में या यूपी पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन हल करना आसान हो जाए। एक जरूर बताइएगा कि यूपी पीजीटी में आया हुआ था कि C2H5OH यानी इथेनॉल में एनएमआर सिग्नल कितने होते हैं, इनबॉक्स में जाकर के कमेंट दीजिएगा कि इथीन में, इथेनॉल में एनएमआर सिग्नल कितने होंगे, इसका इंतजार करूंगा। आंसर देने का तरीका मैं बताया दे रहा हूं, लिख देना एनएमआर सिग्नल इन इथेनॉल, आप आंसर लिख दीजिएगा। दूसरा तरीका आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं, प्रोपीन है, प्रोपीन में एनएमआर सिग्नल कितने होंगे, इन दोनों के एनएमआर सिग्नल कैलकुलेट करके आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके आंसर का